रसमलाई सभी को पसंद आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको रसमलाई पसंद ना हो। चलिए फिर आज हम बनाते हैं बिल्कुल इजी तरीके से रसमलाई, जो कि हम आसानी से घर पर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। यह रसमलाई मैं 2 गिलास दूध से ही बना रही हूँ, यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रेड का रसमलाई बनाने जा रहे हैं। चलिए फिर बनाते हैं रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 गिलास दूध। चलिए इसे हम गर्म कर लेते हैं से अच्छी तरह से। दूध हमारा गर्म हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है। और इसका हम मावा तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा मावा बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छा बना है मावा हमारा। इसे अब हम प्लेट या कटोरी में निकाल लेते हैं। हमने दूध को तब तक भूना है जब तक ये मावा हमारा तैयार ना हो जाए। चलिए इसे निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ सेम पैन लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास और आधा, यानी कि कुल मिला के हमारे 1.5 गिलास हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये देखिए, और इसका हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के समय हम बराबर दूध को हम चलाते रहेंगे ताकि रबड़ी हमारी ख़राब ना हो। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर केसर। ये थोड़े से मैंने केसर डाले हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। यहाँ मैं चीनी शुगर 3 चम्मच मिलाऊंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइएगा। ये देखिए मैंने शुगर इसमें मिला दिया है और फिर इसको आज इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए, मिल जाए। यह देखिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, यह बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए ज़्यादा हम इसे गाढ़ी नहीं करेंगे। चलिए इसे हम किसी कटोरे में निकाल लेते हैं। हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ 4 ब्रेड लिया है, ये देखिए। और ब्रेड हमारी बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, सॉफ्ट और फ्रेश, ये देखिए। ब्रेड को हम एक साइड करते हुए इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए इनके जो किनारे हैं हम इसे निकाल देंगे ब्रेड के, ये देखिए। और इसको हम बीच से कट कर लेते हैं, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यह देखिए इस तरीके से मैंने ब्रेड को कट कर लिया है और थोड़ा सा हमने बेल लिया है इसको, थोड़ा सा पतला कर लिया ब्रेड को, ये देखिए। मैंने यहाँ थोड़ा सा मावा ले लिया है, इसके अंदर हम मिलाएंगे फूड कलर येलो और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। कलर को हमने मिक्स कर लिया है। चलिए एक इसकी लोई तैयार कर लेते हैं, इस तरीके से लंबे आकार में। इस तरीके से हम लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं जो हमने कट कर लिए थे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मलाई। ये देखिए इस तरीके से। मैंने इसके ऊपर मलाई लगा लिया है। अभी जो हमने बना रखा है मावे का जो का इस शेप में, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे।
और इसको इस तरीके से हम लपेटते हुए इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम तैयार करेंगे इसे। बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, देखिए इस तरीके से हम तैयार करेंगे और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए रसमलाई हमारी तैयार हो गई है, इस तरीके से हमने तैयार कर रखा है। ये ब्रेड की रसमलाई बनेगी। ये देखिए हमने रबड़ी ले लिया है, अब इसके अंदर हम रखेंगे ब्रेड जो हमने तैयार कर रखा है। इसे रसमलाई है ये देखिए इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे दूध जो हमने अलग से थोड़ा सा हटा लिए थे, इसके ऊपर डालेंगे। ये रसमलाई से भी बहुत ही अच्छी बनेगी, आप इस तरीके से बना कर फ्रेंड्स ज़रूर खाइएगा। और मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू।